दोस्तों सन्नी देओल की गदर 2 की कमाई बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी गदर 2 ने इतिहास रच दिया है। 11 अगस्त को रिलीज हुई सन्नी देओल की और मीशा पटेल की फिल्म ने अपनी ताबड़तोड़ कमाई से सभी को हैरान कर दिया है। अब फिल्म को रिलीज के 2 महीने होने वाले हैं और इतने दिनों बाद भी दर्शकों में तारा सिंह का क्रेज साफ देखने को मिल रहा है। गदर 2 की कमाई की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मूवी ने अकबूंजमे दिन 25 से 30 लाख के बीच की कमाई की है। इसी के साथ गदर 2 का अब तक का कुल कलेक्शन 525 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। आपको बता दें कि गदर 2 सन्नी देओल की पहली सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन चुकी है। शाहरुख खान की फिल्म जवान के रिलीज होने के बाद से ही सन्नी देओल की गदर 2 की कमाई पर गहरा असर पड़ा है। जवान के तूफान के बीच गदर 2 टिक नहीं पाई और फिल्म की कमाई में भारी गिरावट भी देखने को मिली। वहीं 28 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर फुकरे 3 और द वैक्सीन वार भी रिलीज हो चुकी है, जिसका असर अब गदर 2 की कमाई पर पड़ सकता है। वहीं फुकरे 3 की बात करें तो फिल्म ने 3 दिनों के अंदर कुल 27.93 करोड़ की कमाई कर डाली है। तो वहीं विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वार कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। फिल्म ने अपने पहले वीकेंड पर महज 3.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। अगर आप इन न्यू मूवीज को देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।